नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, ठीक ही होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज मिथौरी आलू की सब्जी। तो मिथौरी आलू की सब्जी कैसे बनानी है, ये देखिए, मैंने मिथौरी ले ली है। ये मूंग की दाल की मिथौरी है, और ये तेल देखिए, कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया है, और उसमें डाल दी मिथौरी। और मिथौरी को इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा लाल होने तक। ये घर में ही बनी हुई मिथौरी है, ये मेरी मम्मी ने मिथौरी बना के मुझे दी है। और घर की जो भी चीज़ें होती हैं उनका स्वाद तो और अलग ही होता है। तो ये देखिए, मिथौरी लाल हो चुकी हैं और इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए, ये जो तेल है इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग, और अब मैं डाल दूंगी इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, ये देखिए। और अब मैं लंबी लंबी कटी हुई प्याज डाल दूंगी, ये दो प्याज कटी हुई हैं लंबी लंबी। और इसको अच्छे से प्याज को भून लेंगे, जैसे कि सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही भूनना है हमें तेल में, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर कद्दूकस करे हुए, और इसको भी थोड़ा सा भून लूंगी मैं टमाटर और प्याज को। और अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, और ये देखिए लाल मिर्च डाल दी है मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्च, और थोड़ा सा छोटा चम्मच ये मैंने गरम मसाला डाला है, 1.5 चम्मच डाला है मैंने पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच डाला है हल्दी, और 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। और ये सारे मसाले को अच्छे से देखिए भून लेती हूँ इस तरीके से। और अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाए, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा देखिए कलर आ जाएगा अभी भुनने के बाद, देखिए एकदम रेड कलर। और देखिए मसाला भुन चुका है, और ये देखिए आलू हैं लंबे लंबे कटे हुए, और ये देखिए मिथौरी, और ये देखिए मसाले में मिथौरी डाल देती हूँ इस तरीके से। मिथौरी मसाले में देखिए अच्छे से मिला लेती हूँ। और अब मैं डाल दूंगी आलू, आलू को भी देखिए अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मिथौरी के साथ, ये देखिए। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें पानी, क्योंकि हमें तरी वाली सब्जी बनानी है मिथौरी आलू की, और जब हम मिथौरी बनाते हैं तो ये मिथौरी क्या होता है, पानी सोख कर लेती है, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डालना पड़ेगा मुझे। तो देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा पानी डाला है इसमें, कम से कम 1 लीटर के करीब। तो ये देखिए ढक्कन लगा के कम से कम 10 मिनट पका लिया है मैंने, उसके बाद ढक्कन खोल के इसको पलट पलट कर देती हूँ सब्जी को, फिर से ढक्कन लगा दिया है, ये देखिए फिर से खोल के एक बार चेक कर लेती हूँ सब्जी को, और देखिए कितना पानी कम हो चुका है इसका। और अब मैं कर दूंगी गैस बंद, और देखिए थोड़ी देर रख दिया है मैंने, तो देखिए कितना सारा पानी ये मिथौरी ने सोख कर लिया है। और इसमें डाल दी थोड़ा सा धनिया, और अब मैं इसको धनिया को अच्छे से मिला के प्लेट में सब्जी को डाल लेती हूँ, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी आलू और मिथौरी की सब्जी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। इस पे थोड़ा सा धनिया और ऊपर से छिड़क देती हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। तो कह रहा हूँ।